एक कप मैदा, एक चौथाई चम्मच नमक और थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन को हम इस तरह से मैश करके उसकी मिला देंगे। सॉफ्ट नमकीन बनाने के लिए ये मैंने आधा चम्मच तेल लिया है। ये खाने वाला तेल है जिसको हम रिफाइंड ऑयल बोलते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हाथों की सहायता से, बहुत अच्छी तरह से, और इस प्रकार से मिक्स करना है इसको। जब तक कि ये इस तरह से बंद ही नहीं लगेगा ना, तब तक मैं इसको मिक्स करूँगी। अपनी हाथ की मुट्ठी की सहायता से हमें इसको इस तरह से देखिए मिक्स करना है। पूरा जो तेल है ना, मोरन बोलते हैं जिसको, हम तेल का मोरन दिया है मैंने नमकीन के अंदर। आप चाहें तो घी का मोरन भी दे सकते हैं। तेल में भी इसको फ्राई किया जा सकता है और घी में भी इसको फ्राई किया जा सकता है, तो वो अपनी अपनी पसंद होती है। अपने अपने घर के जो लोग जैसे खाते हैं ना, उसी हिसाब से बनाया जाता है। अब देखिए ये जो है ना, अब आप देख रहे हो पूरा का पूरा मैदा, मैदे के अंदर जो तेल था ना, वो बिल्कुल मिक्स हो गया है, अब्जॉर्ब हो गया है। आप इसको आप इस तरह से बांधेंगे तो इस तरह से ये बन जाएगा। माँ बहुत अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी है। तो अब आपको गुनगुने पानी से हमें इस मैदे को तैयार कर लेना है, इसका टाइट टाइट डो बनाना है। तो ये मैंने गुनगुना पानी लिया है और इसको इस तरह से छींटा लगा करके, और बस इसे मुझे बिल्कुल सख्त सा डो बना लेना है, बहुत ही सख्त सा, बढ़िया सा। बिल्कुल इस तरह से मसल मसल करके इसको चिकना करना है। अब इसके अंदर से लोच आना चाहिए, चिकना हो जाना चाहिए ये बिल्कुल। तो इसको मैं 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से मिक्स करूंगी, बिल्कुल भी कोई पानी तेल कुछ भी नहीं डालेंगे, बस हाथों से इसको चिकना करना है मसल मसल के। दो को मैंने चिकना कर लिया है। अब इसको 10 मिनट के लिए ढक करके रख देते हैं, उसके बाद हम इसको बेल करके इसकी नमकीन बना लेंगे। तो देखिए लगभग 10 मिनट हो गए हैं और हमारा डो तो है बिल्कुल अच्छे से सेट भी हो गया है। तो अब हम इसको इस तरह से थोड़ा सा हाथ चिकना कर लेते हैं। तो ये मैंने हाथों को चिकना कर लिया इस तरह से, और इसको थोड़ा सा चिकना कर लेते हैं। बस ये चिकना हो गया है अच्छे से, तो इसकी हम इस तरह से लोई बना लेंगे। लोई बना लिए, अब हम इसको बेल लेते हैं। जैसे हम अपना फलका बेलते हैं वैसे ही इसको बेल लेते हैं रोटी की तरह। लोई को हम रोटी की तरह बेल लेंगे, जैसे हम रोटी बेलते हैं ठीक उसी तरह से हम लोई को किचन के प्लेटफॉर्म पर बेल लेंगे। जितने पतले आप चाहते हो या जितने थिन या थिक रखना चाहते हो, उतने आप रोटी को पतली या मोटी रख सकते हैं। पूरी बेलने के बाद अब हम इसको नाइफ से कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैं इस तरफ से कटिंग कर रही हूँ ताकि आपको आसानी से दिखाई दे। तो आधा आधा इंच की दूरी से हम इस तरह से इसको कट कर लेते हैं। एक लाइन सीधी ड्रॉ करेंगे, उसके बाद एक तिरछी कटिंग करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से आपके नमक पारे बहुत ही आसानी से बहुत सारे एक साथ में कट हो जाएंगे। इसी तरह से पूरे को हम एक कटिंग कर लेना है। और देखिए मैं आपको एक नमक पारा दिखा रही हूँ, ये ना पतला है ना मोटा है। इस तरह से हमें सारे नमक पारे जो है वो कटिंग कर लेने हैं। साइड्स जो एक्स्ट्रा है उसको अलग कर लें, फिर से इसको बेल करके कटिंग कर लेंगे, और जो फिनिशिंग से है उनको हम इस तरह से इकट्ठा कर लेते हैं। तो एक बड़े बर्तन में इकट्ठा कर लें सारा, और इसके बाद दूसरी तरफ तेल जो गर्म हो गया है तो उसके अंदर हम सारे नमक पारे डाल देंगे। 1 मिनट तक बिल्कुल नहीं हिलाएंगे। 1 मिनट के बाद जब ये ऊपर आने लगेंगे, आप देख रहे हो थोड़े थोड़े नमक पारे ऊपर की ओर आ रहे हैं, तो हम चम्मच की सहायता से इसको हिला देंगे ताकि नमक पारे टूटे भी नहीं और ये उलट पलट भी हो जाए। अब एक एक मिनट के अंतराल से इन्हें थोड़े से चला देंगे और इन्हें पकने देंगे। अब आप देख सकते हो इनका गोल्डन सुनहरा कलर आ गया है। इनको मैंने 2 से 3 मिनट तक लगातार चलाते हुए पका लिया है, और अब इसके बबल्स भी ख़त्म हो गए हैं।
जो इसके अंदर से बुलबुले उठ रहे थे वो भी ख़त्म हो गए, यानी अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब एक प्लेट के अंदर टिश्यू पेपर लगा लेते हैं और इस पर सारे नमकीन निकाल लेंगे। तो देखिए, जैसे ये देखिए कितने सॉफ्ट है, ये देखिए एकदम से सॉफ्ट है। आप इनकी आवाज़ सुन करके बता सकते हो कि कितनी सॉफ्ट है। ये देखिए ऐसे जाते हैं। तो बस बहुत आसान है तरीका, मैंने आपको बताया है। अच्छे से जाली आएगी, अच्छे से सॉफ्ट बनेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।